हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रैप मसल्स के बारे में। फ्रेंड्स, ट्रैप मसल्स काफ़ी बड़ा मसल्स होता है, आपके शोल्डर वाला जो हिस्सा होता है और पीछे बैक वाला हिस्सा, अगर आपने इसको ट्रेन कर दिया तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी दिखेगी। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके शोल्डर के पीछे वाला भाग और नीचे बैक यानी आपके स्पाइन से जुड़ा वाला भाग, वो ट्रैप मसल्स होता है। यानी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मसल्स है, तो इसको ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपने इन वर्कआउट को परफॉर्म कर दिया और ट्रैप मसल्स को से ट्रेन कर दिया तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी काफी अच्छी दिखेगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे वर्कआउट जिससे आपके ट्रैप मसल्स काफी तेजी से गेन होंगे। फ्रेंड्स, आते हैं पहले वर्कआउट जो है डंबल स्लग। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है, आपको दो डंबल लेना है और इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब ऊपर लेके आएंगे तो थोड़ा होल्ड रखेंगे, जिससे आपके शोल्डर और ट्रैप पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और जिससे आपके ट्रैप काफ़ी चौड़े होंगे और ब्रॉड दिखेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके शोल्डर वाला हिस्सा यानी ट्रैप वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा दिखेगा। फ्रेंड्स, इसके आपको 4 सेट और मिनिमम 12 रेपिटेशन करना है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई आप नया सेट लेंगे उसके बीच में 1 मिनट से कम का रेस्ट लेना है। अगर 1 मिनट से कम का रेस्ट लेते तो आपका मसल्स क्या एक्टिवेट रहता है और अच्छे से परफॉर्म होता है नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब बात आता है दूसरा वर्कआउट जो है बारबल सरक। जिस तरह से डंबल सरक करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से आप बारबल सरक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए, बारबल को आपको स्ट्रेट पकड़ना है यानी सीधा पकड़ना है, फ्रंट की तरफ पकड़ना, जिससे क्या है आपके जो बाहर वाला जो ट्रैप है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से आपको ऊपर आते वक्त इसको होल्ड करना है। फ्रेंड्स, इसके भी आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करेंगे, जिससे आपके ट्रैप का है काफ़ी तेज़ी से गेन होगा। आपको रोड का है जो यानी कि जो बारबल इस तरह से पकड़ना है। अब बात करते हैं तीसरा वर्कआउट जो है अपराइड रो। फ्रेंड्स, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके शोल्डर काफ़ी डेवलप होते हैं और साथ ही साथ ट्रैप में भी इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, ध्यान इस बात का रखना, जब भी आप इस बारबल को ऊपर लेके आओगे तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आना, आपके शोल्डर वाला हिस्सा वहाँ तक लेके आना और स्लोली करना फ्रेंड्स, आपको कोई फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। अगर जल्दी करेंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको इंजरी आ जाए। इस तरह से आपको स्लोली करना है, जिससे आपके जो है शोल्डर यानी कि ट्रैप वाला हिस्सा वो काफ़ी तेज़ी से गेन हो। फ्रेंड्स, इसके आपको 4 सेट और 12 रेपिटेशन करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात आता है चौथा वर्कआउट जो है बेंट ओवर फ्लाई। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके ट्रैप काफ़ी तेज़ी से गेन होते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 2 डंबल की सहायता लगेगी इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। ये वर्कआउट से फ्रेंड्स आपके जो शोल्डर वाला का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जिसे ट्रैप कहता है, वो काफ़ी तेज़ी से गेन होता है। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैंड हो जाना है, इस तरह से अपने हाथों को उठाना है डंबलों की सहायता से। फ्रेंड्स, इसके भी आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करेंगे। शुरुआती में डंबल का वेट कम लेंगे और धीरे धीरे आप वेट बढ़ाते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये था वीडियो। अगर आपने इन वर्कआउट को परफॉर्म किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जो ट्रैप काफ़ी बड़े होंगे, चौड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।